रास्ता दिया करो, मैंने तेरे बोले रास्ता दिया करो, तेरे पूरा मौका इधर आ, चल रास्ता दे दिया करो। मैंने कुछ कहना चाहोगे, आपने क्यों उसको कत्ल किया सारा इनाम को? चल आगे, कोई शर्मिंदगी है आपको? पीछे देखो, पीछे देखो, गाड़ी आगे आगे, रास्ता दे। आगे चल, आगे आगे। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज 29 सितंबर है, जुमेरात का दिन है, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से। मैं इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हूं, और अब से थोड़ी देर पहले जो है वो जो मरकज़ी मुलज़िम है, कातिल जो शाहनवाज़ अमीर है, उसको आज अदालत में पेश किया गया था। आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, सारा की एक तस्वीर और बैंक रिकॉर्ड का क्या मामला है, ये जो केस है ये नए रुख पे कैसे जा रहा है, आज तफ्तीशी ने क्या कुछ कहा, और आज अयाज़ अमीर साहब की तरफ से भी एक वकील पेश हुआ, उसने अदालत से क्या इस्तदा की, उसके ऊपर क्या आर्डर हुआ, और आज अदालत में कितनी देर की समाअत हुई, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आज जैसे कि पहले आपको हम बताते रहते हैं कि अमूमन यहाँ कोर्ट का टाइम जो है वो तकरीबन 8 बजे से शुरू हो जाता है, और यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे आपको पहले बताते हैं कि एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, इस वजह से जो पुलिस है उसकी कोशिश होती है कि जो मुलजमान हैं उनको ज़रा देर से ले आएँ, वो इसलिए कि ज़ाहिर बात है जजेस का जो है एक कॉज लिस्ट होती है, उसमें उन्होंने बहुत सारे केसेस सुनने होते हैं, पुलिस की कोशिश होती है कि जब वो केसेस थोड़ा फ्री हो जाएँ जजेस उससे, तो फिर उसके बाद जो है ऐसे मुलजमान को लाया जाए। बहरहाल आज वही हुआ जी, जो शाहनवाज़ अमीर है उसको तकरीबन कोई 1:10 पर जो है वो आज अदालत में पेश किया गया। आज अदालत के माहौल के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि अदालत का जो माहौल है आज वो बिल्कुल यकसर डिफरेंट था। डिफरेंट इसलिए था कि हम ही कुछ सहाफ़ी थे, वकील उसकी तरफ से तो कोई आता नहीं है, उसकी तरफ से आज भी कोई वकील पेश नहीं हुआ। ला अफसर होता है जो फ़िलहाल जो है इस सारे मामले को देख रहा है, और जो है आज कोई भी बाहर जैसे पहले रश होता था कोई रश नहीं था और कुछ भी नहीं था, और पुलिस के भी चंद लोग जो है वो शाहनवाज़ अमीर को लेकर आए थे, और इसकी बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है वो यही है कि अब अयाज़ अमीर साहब के लिए लोग आते थे, उनके हल्के से लोग आते थे, कुछ रिश्तेदार आए होते थे, आज वो भी नहीं थे क्योंकि अयाज़ अमीर साहब जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं इस मामले से। तो बहरहाल आज हमें अचानक ही पता चला सामने से शाहनवाज़ अमीर को ला रहे थे, तो हमने आपको फुटेज दिखा दी। उसके बाद ये अदालत में पेश किया गया, अदालत में जो ही पेश किया गया तो इस पर पहले एक केस की आरडी कोई समाज चल रही थी, तो थोड़ी देर जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो वकील दलाइल देते रहे, और हम सबको और शाहनवाज़ अमीर जो है और उसके जो साथ जो पुलिस आई थी उनको थोड़ा सा अदालत के अंदर ही वेट करना पड़ा। बहरहाल वो केस ख़त्म होता, फिर उसके बाद जो है जज साहब ने जब देखा तो जज साहब ने पूछा, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हैं ईस्ट आमिर अजीज़ साहब, उनकी अदालत में होता है, तो उन्होंने पूछा कि जी तफ्तीशी कहाँ है, तो इसके ऊपर तफ्तीशी जो है वो खड़े हुए थे, और तफ्तीशी हबीब साहब जो हैं वो सामने आए, और उन्होंने केस का जो रिकॉर्ड की फ़ाइल होती है वो जज साहब के सामने पेश की। और इसी दौरान जो है जो अयाज़ अमीर की तरफ साहब की तरफ से एक वकील पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि जी पहले हमारी बात अगर आप सुन लें, तो इसके ऊपर जज साहब ने कहा कि जी आप बताएँ क्या करण कहना चाहते हैं, तो इसके ऊपर जो अयाज़ अमीर साहब के वकील थे उन्होंने कहा कि जी हमारे जो मुवक्किल हैं जो अयाज़ अमीर हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं इस मुकदमे से, जनाब ने आर्डर किया है वो इससे डिस्चार्ज हो चुके हैं, और आपके पास हम जो है वो मोबाइल फ़ोन के लिए आए हैं, जो मोबाइल फ़ोन अयाज़ अमीर का था वो अभी तक पुलिस के पास है, तो मेहरबानी करें हमारा सारा कारोबार और अयाज़ अमीर साहब की जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है उसी मोबाइल फ़ोन से चलती हैं, तो अगर वो मोबाइल फ़ोन पुलिस हमें वापस कर दे जब भी ज़रूरत पड़ेगा, जब भी पुलिस को तफ्तीश के लिए चाहिए होगा हम वापस पेश कर देंगे। तो और साथ ये भी कहा कि जी ये रिकॉर्ड इनके पास है पूछ लें, और आपने भी आर्डर में जो है लिखा था कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो इसलिए जो है आप इसको फ़ोन मोबाइल फ़ोन पुलिस को कहें वापस कर दें। इसके ऊपर जज साहब ने जो ला अफसर खड़ा हुआ था और जो तफ्तीशी था उन्हें कहा कि जी आप बताएं आपको इनकी एक दरख्वास्त है ये मोबाइल फ़ोन वापसी की, आपको उसके ऊपर कोई एतराज़ तो नहीं है, अगर आपको एतराज़ है तो आप हमें बता दें। इसके ऊपर ला अफसर ने कहा कि जी हमें एतराज़ है, तो जज साहब ने पूछा कि जी क्या एतराज़ है, तो उन्होंने कहा कि जी क्योंकि उस मोबाइल फ़ोन में एक तस्वीर है सारा, और वो तस्वीर जो है और वो चीज़ें जो है
हम देखना चाहते हैं, क्योंकि जो कॉल की गई वो व्हाट्सएप से की गई थी, तो व्हाट्सएप की कॉल का वैसे पता नहीं चलता जब तक उसका फोरेंसिक ना करवाया जाए। तो उन्होंने कहा कि जी मोबाइल फ़ोन जो है वो हमने फोरेंसिक के लिए देना है, तो इसलिए अभी हम मोबाइल फ़ोन वापस नहीं कर सकते। जिसके ऊपर जो है जज साहब ने कहा कि आप ये बताएं कि आपने फोरेंसिक के लिए भेज दिया है या भिजवाना है, वाजे करें। तो इसके ऊपर तफ्तीशी ने कहा जी मुझे अंदाज़ा नहीं है, तो मैं चेक करके बताता हूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहाँ पर पैदा हुई, लेकिन बहरहाल जज साहब ने कहा ठीक है मैं इसके ऊपर ऑर्डर कर देता हूँ, बाद में इसके ऊपर देख लेते हैं और इसके ऊपर ऑर्डर कर देते हैं। तो उसके बाद जी फैसला थोड़ी देर के लिए समझे महफूज हो गया। उसके बाद शाहनवाज का मामला सामने आया और शाहनवाज के ऊपर जज साहब ने पूछा कि जी क्या तफसीलात हैं। तो इसके ऊपर जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने कहा कि जी हमें 5 दिन का मजीद रिमांड चाहिए। जज साहब ने कहा आपको क्यों रिमांड चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जी एक और चीज़ सामने आई है और वो ये है कि ये बंदा जो है वो एक्सटॉर्शन यानी कि पैसे लेने, दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप कहें कि जी भत्ताखोरी कह सकते हैं इसको, कि जी ये उस लड़की से पैसे मंगवाता रहा है मुख्तलिफ अवकात में और बहुत ज़्यादा पैसे मंगवाए हैं। एक वो हमने देखना है, दूसरा जो लड़की का पासपोर्ट है वो भी अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, तो इस वजह से हमें 5 दिन का इसका रिमांड चाहिए। और जो है वो उस मामले के लिए आपसे यही दरख्वास्त है कि आप इसका 5 दिन का रिमांड दे दें। और उसके बाद जो है जज साहब ने कहा कि जी आप क्या चेक करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हम इसकी जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं और जो लड़की का पासपोर्ट है उससे रिकवर करना है, तो 5 दिन का रिमांड दें। जज साहब ने बहरहाल थोड़ी देर उसको पढ़ा इनके रिकॉर्ड को और उसके बाद 4 दिन का रिमांड जो है वो जज साहब ने दे दिया शाहनवाज अमीर का और 4 दिन के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। और उसके बाद जो फैसला महफूज हुआ था मोबाइल फ़ोन वाला, बार हमने थोड़ा वेट किया और उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन एयाज़ अमीर साहब के मोबाइल फ़ोन की वापसी थी वो जज साहब ने मुस्तरद कर दिया, यानी वो मोबाइल फ़ोन अब पुलिस के पास फिलहाल रहेगा जब तक कि वो उसका फोरेंसिक नहीं करवा लेते। बहरहाल अब एक और चीज़ जो हमें फिर बाद में बाहर पता चली जब हमने जो ला अफसर है उससे बात की, तफ्तीशी अफसर से बात की, वो आपके सामने रख देता हूँ। उसके वो ये है कि जी इस दौरान आपको पता है कि जो थोड़ा सा एक जो दलाइल आपको बताना भूल गया, जो वकील थे एयाज़ अमीर साहब के उन्होंने कहा कि जिस दिन से गिरफ़्तार किया मोबाइल फ़ोन इनके पास है और जो है इनको अगर चेक करना होता तब तक चेक कर चुके होते, पासवर्ड भी इनके पास हैं लेकिन अभी तक चेक नहीं हुआ। बहरहाल वो दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हो गई। बाहर हम आए तो हमने तफ्तीशी अफसर साहब से और जो ला अफसर है उनसे पूछा कि जी क्या मामला है, आप लोग इसका किस तरफ ये मामला जाते? उन्होंने कहा कि जी जैसे वो पैसों की लेन देन वाला मामला था, वो कहते हैं कि ये लड़की जो है उससे इसने अच्छी खासी जो है अमाउंट जो है वो मुख्तलिफ अवकात में मंगवाई है जिसको हमने चेक करना है। तो हमने कहा कि इसका क्या प्रोसेस होगा? तो उन्होंने बताया कि जी इसके लिए स्पेशली हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी जाएगी, क्योंकि ये जो पैसों वाले मामलात और बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाले इश्यूज होते हैं ये हाई कोर्ट से पता चलते होते हैं। तो हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी जाएगी और हाई कोर्ट इसकी इजाज़त देगा, उसके बाद हम इनकी और सारा की जो इसकी और सारा की जो बैंक ट्रांजेक्शन हैं वो देखेंगे कि इसने सारा से कितने पैसे लिए और कितने नहीं लिए। बहरहाल एक वो तस्वीर जो शायद जो अकॉर्डिंग टू पुलिस जो भेजी थी शाहनवाज़ ने एयाज़ अमीर को, उस तस्वीर के हवाले से पुलिस जो है वो चेक कर रही है कि क्या मामला है, कोई और बात तो नहीं हुई व्हाट्सएप कॉल के कोई बात तो नहीं, और दूसरा जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं उनके हवाले से पुलिस को तफ्तीश है, तीसरा पासपोर्ट पुलिस को तशवीश है, और तीसरा पासपोर्ट के हवाले से पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँची कि वो पासपोर्ट कहाँ गया है, ज़ाया कर दिया गया है, छुपा दिया है, फाड़ दिया है, जला दिया है, कहीं भी है, अभी तक जो लड़की का पासपोर्ट है वो नहीं मिला। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो आज यहाँ अदालत में समाअत के मौके पर हुई, आज की ये समाअत थी, इसका ये अहवाल था। इंशाअल्लाह इस केस के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें भी सामने आ रही हैं, आती जा रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इसको फैक्ट्स के ऊपर जो जो जहाँ जहाँ हो रहा है वो आपको ज़रूर अपडेट करते रहें। बहरहाल इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि आपको जो है मज़ीद भी इसके हवाले से चीज़ें जो और दूसरे केसेस जितने भी चल रहे हैं उनके हवाले से आपको गोश गुजार करते रहें। आप बस अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नफ़ो नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।